यूपी में आज से डिप्लोमा इंजीनियर्स महासंघ की हड़ताल है। हड़ताल पर है यूपी के जूनियर इंजीनियर। 4800 वेतनमान करने की कर रहे हैं मांग, और वेतनमान के साथ ही 14 सूत्रीय मांगों को लेकर भी कार्य बहिष्कार पर है ये डिप्लोमा इंजीनियर्स महासंघ। कई विभागों के इंजीनियरों ने हड़ताल पर जाने का ऐलान कर दिया है। 4800 वेतनमान करने की मांग की जा रही है। अहम खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं यूपी से, जहां पर आज से इंजीनियर्स की हड़ताल शुरू होने वाली है। यूपी में आज से डिप्लोमा इंजीनियर्स महासंघ की हड़ताल है। हड़ताल पर यूपी के जूनियर इंजीनियर्स रहेंगे और ये मांग कर रहे हैं कि 4800 वेतनमान हो जाए, यानी कि 4800 वेतनमान कर दिया जाए। वेतनमान के साथ ही 14 सूत्रीय मांगों को लेकर कार्य बहिष्कार पर है। और इस वक्त लखनऊ से हमारे सहयोगी राजीव प्रताप सीधा जुड़ चुके हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। राजीव, वेतन मांग को बढ़ाने की मांग को लेकर यहाँ पर कार्य बहिष्कार पर जूनियर जो इंजीनियर्स वो जाने जब वाले हैं, कई विभागों के इंजीनियर्स ने ऐलान कर दिया, ऐसे में आम जनता को भी काफी दिक्कतें आ सकती हैं। निश्चित रूप से एक लंबे समय से उत्तर प्रदेश के डिप्लोमा इंजीनियर संघ द्वारा ये मांग की जा रही थी, जो उनका वेतन है वो भी तो उसकी विसंगतियों को दूर कर 4800 ग्रेड पे की मांग की जा रही थी। उसके मद्देनजर लगातार इन लोगों द्वारा प्रदर्शन भी बीते वर्ष किया गया था, जिसके मद्देनजर यूपी के मुख्य सचिव की अध्यक्षता लोक निर्माण विभाग के प्रमुख सचिव की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था, जिस समिति ने इन डिप्लोमा इंजीनियर्स की मांगों का अध्ययन किया था और उनको जायज ठहराया था। उन्होंने भी ये संतुष्ट की थी कि जो ये डिप्लोमा इंजीनियर्स है उन्हें 4800 ग्रेड पे मिलना चाहिए, लेकिन उसके बावजूद 2015 में इस समिति की संतुष्ट की गई थी, उस पर राज्य सरकार ने अब तक कोई फैसला नहीं किया है, जिससे नाराज उत्तर प्रदेश के 24 विभागों के करीब 24,000 से अधिक डिप्लोमा इंजीनियर्स आज से हड़ताल पर चले गए हैं। और उन्होंने ये साफ कर दिया है कि जब तक उनकी ये मांगे, जो प्रमुख मांग है 4800 ग्रेड पे की, वो पूरी नहीं की जाएगी, तब तक उनका ये प्रदर्शन जारी रहेगा। ऐसे में जो उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों में जो निर्माण कार्य चल रहे हैं, राजधानी में जो प्रमुख कार्य चल रहे हैं, अगर बात मुख्यमंत्री के सचिवालय की करें या हाई कोर्ट की करें, जिसे अगले वर्ष तक तैयार करना है, उसका भी काम ठप हो गया है, उस पर काफी असर पड़ रहा है। वैसे में कहीं ना कहीं अगर इन समस्या का कोई हल नहीं होगा और ये हड़ताल जारी रही, तो इसका उत्तर प्रदेश में एक विकास पर व्यापक असर दिखेगा। बिल्कुल। और ये जो 14 सूत्रीय मांगे जो सामने रखी गई हैं, जिनको लेकर कार्य बहिष्कार किया जा रहा है, एक तो 4800 रुपए वेतनमान कर दिया जाए, इसके अलावा कौन सी प्रमुख मांगे हैं? देखिए, इनकी जो मुख्य मांग है वो 4800 ग्रेड पे की है। उसके अतिरिक्त उनकी जो मांग है कि उनको एक राजपत्रित अधिकारी का दर्जा मिले, और इस तरह की जो 14 विभिन्न सूत्री मांगे हैं उनके साथ एक लंबे समय से ये मांग करते आए हैं, लेकिन इनका जो प्रमुख मांग है वो 4800 ग्रेड पे की है। इनका कहना है कि इनका जो वेतन विसंगति है उसको दूर किया जाना खासा आवश्यक है, जिसके चलते एक लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं। इतना ही नहीं, इस दौरान जो अन्य इंजीनियर संघ है, विद्युत विभाग के और अभियंताओं ने भी ये ऐलान कर दिया है कि अगर इनकी मांगे नहीं पूरी होती हैं और इनका उत्पीड़न किया जाता है, तो अगले 72 घंटे बाद वो भी हड़ताल पर चले जाएंगे। तो निश्चित रूप से इससे विद्युत विभागों के भी कई अभियानों पर असर पड़ेगा, और साथ ही साथ जो यूपी में कई महत्वाकांक्षी योजनाएं चल रही हैं उनके भी पूरा होने पर एक बड़ा असर पड़ेगा। अब देखना यह होगा कि इन हड़ताल के बाद सरकार क्या फैसला लेती है और इस समस्या का कैसे समाधान करती है। चलिए, शुक्रिया इस बातचीत के लिए, आप नजर बनाए रखे राजीव। तो आज से 14 सूत्रीय मांगों को लेकर इंजीनियर्स हड़ताल पर जा रहे हैं, और जब तक मांगे पूरी नहीं हो जाती तब तक उनकी यह हड़ताल चलेगी, ये उनका कहना है।